मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभी आरोपों को फर्जी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को कई फर्जी कंपनियों का मालिक बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाला गद्दार होता है, तो फिर वो सत्येंद्र जैन का बचाव कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल से 10 सवाल भी पूछे कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड है चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या ये सत्य है कि 16,39,00,000 मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? ये प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16,39,00,000 मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है, हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं करते। सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं, हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं वो, तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।